हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल SMII पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन भी देते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है, स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं और आप डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहिए और अपना पैसा उन स्टॉक्स में ही लगाना चाहिए। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को ढूंढने का एक ही तरीका है कि आप उस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस जरूर कर लें, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जरूर चेक करें और उस कंपनी के टेक्निकल एंड बिजनेस मॉडल को भी स्टडी करें। इससे आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और आने वाले टाइम में आपके रिटर्न्स भी बहुत ही बढ़िया हो सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक के बारे में और इसके हम सारे फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स एक एक करके आपको बताएंगे। पर सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। द HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज ए लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर विद इस हेडक्वार्टर्स एट मुंबई, ऑफरिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंश्योरेंस सर्विसेज एंड इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 14 अगस्त 2000। तो आप देख सकते हो ये जो कंपनी है ये HDFC ग्रुप को बिलोंग करती है, बहुत ही बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है और ये लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर का काम करती है। एंड दिस इज़ ऑफरिंग द इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंश्योरेंस सर्विसेज एंड इट्स CEO इज़ विवा पडालकर एंड इट वॉज फाउंडेड इन 2000 ईयर एंड इट इज़ हेडक्वार्टर इन द मुंबई। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर 20,636 एज ऑन 2021 एंड इस रेवन्यू इज करंटली 1,687 करोड़ INR। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी का पहले स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे, पहले एक दिन की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो एक दिन में इस स्टॉक में 0.21% की तेज़ी देखी गई है और ये जो स्टॉक है 682.70 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। अब हम इस कंपनी के पास्ट 5 डे की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो पास्ट 5 डेज़ में इस स्टॉक की नियरली फ्लैट परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है, -0.37% की रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। और आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है पहले इसमें कंसोलिडेशन आ जाती है और ये अपने लोअर सपोर्ट लेवल से फिर सपोर्ट लेके ऊपर को जो है रैली शो करता है। अगेन एंड अगेन जो है ये काम जो स्टॉक है ये बी शेप रिकवरी शो कर रहा है। यदि हम इसका लोअर सपोर्ट लेवल ढूंढे तो ये 678 पे निकल कर आ रहा है। तो ये जो सपोर्ट लेवल है बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है और इसी सपोर्ट से इस स्टॉक ने बी शेप रिकवरी भी की हुई है। अब हम इसका पास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो पास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस भी नियरली फ्लैट निकल कर आ रहा है। यदि हम पास्ट 6 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो वो भी वॉलेटाइल निकल कर आ रही है और इस स्टॉक में -5.57% की करेक्शन जो है वो देखी गई है। यदि हम इसका लोअर सपोर्ट ढूंढें तो वो भी 660 पे निकल कर आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। अब हम इस कंपनी का पास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे। तो पास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक में 13.73% की तेज़ी देखी गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स हैं निकल कर आ रहे हैं। ये जो स्टॉक है स्लोली एंड स्टेडीली अप ट्रेंड जो है वो शो कर रहा है। अब हम इसकी पास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो पास्ट 5 ईयर्स में इस स्टॉक में 98.11% की जो है तेज़ी देखी गई है, रैली देखी गई है और इसका जो चार्ट पैटर्न है ये भी स्लोली एंड स्टेडीली अप ट्रेंड शो कर रहा है। इसमें करेक्शंस भी देखी जा रही हैं लेकिन करेक्शंस के बाद ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली रिकवर भी कर जाता है, वी शेप रिकवरी भी शो करता है। अब हम इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे, इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे। सो दिस इज़ ए स्टॉक विद मीडियम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद एवरेज प्राइस मोमेंटम एंड वैल्यूएशंस एंड द स्टॉक मे बी अफोर्डेबल एंड आर शोइंग सम इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। तो दिस इज़ ए मिड रेंज मोमेंटम, इट इज़ शोइंग मिड रेंज मोमेंटम एंड द स्टॉक इज़ इन द मिड रेंज एज कम्पेयर टू द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। इट इज़ 22.9% अवे फ्रॉम 52-week low एंड 8.41% अवे फ्रॉम द 52-week high। तो आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है मीडियम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो कर रहा है और एवरेज प्राइस मोमेंटम भी शो कर रहा है। यदि हम इसका इंडस्ट्री के साथ कंपेरिजन करें तो TTM PE रेशो इज़ मार्केट लीडर निकल कर आ रहा है, मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली भी मार्केट लीडर निकल कर आ रहा है। प्राइस टू बुक रेशो जो है वो भी अबव द इंडस्ट्री मीन निकल कर आ रही है। TTM PEG रेशो इज़ आल्सो मार्केट रनर अप।
तो क्वाइट पॉजिटिव पॉइंट्स इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है और ये जो स्टॉक है मार्केट लीडर निकल कर आ रहा है। अब हम इसके स्टॉक की प्राइस की परफॉर्मेंस देखेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 वीक 2 3 ईयर डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट 3 मंथ में इसने बहुत ही वॉलेटिलिटी देखी गई है। लास्ट 3 मंथ में इस स्टॉक में बहुत ही वॉलेटिलिटी देखी गई है और लास्ट 3 मंथ में नेगेटिव रिटर्न्स भी निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जियर टिल डेट में 1% के रिटर्न्स हैं, 1 ईयर में 16.75% के रिटर्न्स हैं, 3 ईयर में 43.93% के रिटर्न्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन यदि आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे, इसको बाई करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे, तभी आप जाके इसमें अच्छे रिटर्न जो है वो प्राप्त कर सकोगे। अब हम इसका वॉल्यूम का डाटा देख लेते हैं। तो कल का डाटा पहले देख लेते हैं। फ्राइडे को क्वांटिटी ट्रेडर वाज 28 लाख एंड द डिलीवरी इज 21 लाख। तो आप देख सकते हो नियरली 74.92% की डिलीवरी इस स्टॉक में उठाई जा रही है। यस्टरडे का डाटा देखें तो नियरली 70.55% की डिलीवरी उठाई जा रही है। 1 वीक का एवरेज डाटा देखें तो 73.22% की डिलीवरी उठाई जा रही है। यदि 1 मंथ का एवरेज डाटा देखें तो वो भी 73.80% निकल कर आ रहा है और बहुत ही पॉजिटिव डाटा निकल कर आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी एक्युमुलेशन हो रही है, बहुत ही बढ़िया माल उठाया जा रहा है, ये एक पॉजिटिव जो है इंडिकेशन है। अब हम इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करेंगे। पहले हम क्वार्टरली डाटा चेक करेंगे फ्रॉम द मार्च 2020 टू मार्च 2021। तो मार्च 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू वाज रिपोर्टेड टू बी 552 करोड़। जून 21 में ये रिड्यूस होकर 451 करोड़ रह गया है। सितंबर 20 में ये फिर रिड्यूस होकर 358 करोड़ रह गया है। दिसंबर 20 में फिर रिड्यूस होकर और 286 करोड़ रह गया है। लेकिन मार्च 2021 में इसने बहुत ही बढ़िया रिकवरी शो की हुई है और आप देख सकते हो मार्च 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 583 करोड़ हो गया है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अब हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का डाटा देखेंगे। तो मार्च 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज 311 करोड़, एंड मार्च 2021 में ये 319 करोड़ निकल कर आ रहा है। नियरली फ्लैट डाटा निकल कर आ रहा है। इन ओवरऑल इसने बहुत ही अच्छा जो है नेट प्रॉफिट कमाया हुआ है, पॉजिटिव नेट प्रॉफिट कमाया हुआ है और इसकी रेवेन्यू का भी जो ग्रोथ है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे जो है देखने को मिल रही है, फ्लैट देखने को मिल रही है। अब हम इस कंपनी का रेवेन्यू का लॉन्ग टर्म की ग्रोथ हिस्ट्री देखेंगे। तो हमारे पास 2017 से लेके 2021 का डाटा अवेलेबल है। तो 2017 में आप देख सकते हो इसका जो रेवेन्यू था दैट वाज 1016 करोड़। 18 में ये बढ़ के 1296 करोड़ हो गया। 19 में फिर बढ़ गया सिर्फ 1645 करोड़ हो गया। 2020 में फिर यहाँ पे जो है जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हो 2021 में इसका जो रेवेन्यू है दैट वाज रिपोर्टेड टू बी 1679 करोड़, और लास्ट 5 ईयर में आप देख सकते हो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है बहुत ही बढ़िया ग्रोथ शो कर रहा है। कंटिन्यूसली इसका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। इसका मतलब ये है इस कंपनी के सेल्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहे हैं और इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है। अब हम इसका लॉन्ग टर्म का नेट प्रॉफिट का डाटा देखें तो वो भी बहुत ही शानदार निकल कर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न शो कर रहा है। यहाँ पे भी हमें लीनियर ग्रोथ देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2017 में इसका जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज 886 करोड़, एंड 2021 में ये बढ़ के 1360 करोड़ हो गया है। यहाँ पे भी इसका जो नेट प्रॉफिट का डाटा बहुत ही लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है, ये बहुत ही शानदार ट्रेंड शो कर रहा है और ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। ये शो कर रहा है कि इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, मार्जिन भी बहुत ही बढ़िया है। तो अब हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखेंगे। तो प्रमोटर्स आर होल्डिंग 58.86% ऑफ होल्डिंग इन दिस कंपनी। FIIs आर होल्डिंग 25.67% ऑफ होल्डिंग इन दिस कंपनी। DIIs आर होल्डिंग 6.25% ऑफ होल्डिंग इन दिस कंपनी, एंड पब्लिक इज होल्डिंग 9.19% ऑफ होल्डिंग इन दिस कंपनी। अदर्स आर होल्डिंग 0.03% ऑफ होल्डिंग इन दिस कंपनी। तो बहुत ही मिक्स डाटा इसमें निकल कर आ रहा है। अब हम इसका शेयर होल्डिंग का ट्रेंड चेक कर लेते हैं। पहले प्रमोटर्स का देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नियरली यहाँ पे जो है रिडक्शन देखने को मिल रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2020 टू मार्च 2021 द प्रमोटर स्टेक हैज़ बिन रिड्यूस फ्रॉम 63.69% टू 58.86%। तो यदि हम FIIs का डाटा देखें तो वो हमें जंप देखने को मिल रहा है, 21.01% से स्टेक बढ़ के और 25.67% हो गया है। यहाँ पे जो है हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है।
यदि DII का डाटा देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। यदि हम पब्लिक का डाटा देखें तो वो नियरली फ्लैट निकल कर आ रहा है। तो इन द एंड हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो HDFC ग्रुप को बिलोंग करती है, जो कि बहुत ही बड़ा ग्रुप है, इसलिए ये कंपनी बहुत लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी निकल कर आ रही है। लेकिन इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, तो ही आप अच्छे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हो। इसकी जो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ हिस्ट्री है बहुत ही बढ़िया निकल कर आ सकती है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। इसलिए आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो है वॉलेटिलिटी देखनी पड़ सकती है। एंड में हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे।